रामपुर लोकसभा सीट के लिए प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी संजय सक्सेना ने कहा कि रामपुर में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। पार्टी अध्यक्ष शिवपाल यादव ने भरोसा करके ही उन्हें चुनाव मैदान में उतारा है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार में बेरोजगारी बढ़ी है, चाहे केंद्र में हो या योगी सरकार की हो, विकास के नाम पर भी कुछ नहीं किया गया, सिर्फ झूठे वादे ही किए। आप रामपुर से लोकसभा इलेक्शन लड़ रहे हैं, प्रगतिशील पार्टी के हैं, तो आपकी क्या क्या लोगों से इस पार्टी को लेकर अपनी क्या क्या नीति है उसके बारे में हम जानना चाहेंगे आपसे। देखिए, मैं प्रगतिशील समाज पार्टी समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ रहा हूँ। मेरी फर्स्ट रामपुर की प्रमुखता रोजगार दिलाना। मैं रामपुर में जितने बेरोजगार हैं अब तक रोजगार नहीं है, और जितने भी इस यूपी की योगी सरकार चल रही है, यूपी सहयोगी सरकार ने कोई रोजगार रामपुर को नहीं दिया। और जो इस देश के लोग कहते हैं चौकीदार, चौकीदार कैसा चौकीदार जो 72,000 घूमता हो, जिसके अंबानी अदानी यार हो, जिसके गुजरात में रोजगार ही रोजगार हो, उसकी यूपी में सरकार हो, यूपी में रामपुर में रोजगार नहीं। मैं फर्स्ट प्राथमिकता रामपुर के रोजगार की चाहता हूँ। रामपुर में रोजगार हो, हर व्यक्ति को रोजगार मिले। हमारी पार्टी सेकुलर पार्टी है, हमारी पार्टी से कई लोग जुड़ रहे हैं और बड़ी बड़ी पार्टी दल हमारी पार्टी के टच में हैं जो सेकुलर जो गठबंधन करना चाहते हैं, लेकिन कुछ शर्तों पर गठबंधन नहीं हो पा रहा, उससे कोई हमें मतलब नहीं, गठबंधन हो या ना हो। मैं माननीय शिवपाल जी ने मुझे आशीर्वाद दिया है, मैं इस रामपुर की जनता के लिए करूंगा और रामपुर से लोकसभा चुनाव लड़ूंगा, अपने बल पे लड़ूंगा, पार्टी मुझे लड़वाएगी, शिवपाल जी के नेतृत्व में लड़ूंगा। माननीय शिवपाल जी यूपी में वो नाम है, हर आदमी उन्हें जानता है। शिवपाल यादव जी ने जितना विकास किया है इस रामपुर में आज तक की सरकार में नहीं किया, जो उनकी सरकार में जो विकास हुआ शिवपाल जी के थ्रू हुआ है, किसी के थ्रू नहीं हुआ। और जो माननीय शिवपाल जी ने मेरे पे विश्वास दिखाया है, जताया है, मैं उसको पूरा करूंगा। रामपुर की जनता के लिए जितना मेरे से हो सके उससे ज़्यादा करूंगा, उस विश्वास पे मैं खरा उतरूंगा। शिवपाल जी के आशीर्वाद के उनके नेतृत्व में इस रामपुर की जनता के लिए चुनाव लड़ूंगा, जो मेरे से हो सकेगा वो मैं करूंगा। और इस रामपुर को प्राथमिकता है मेरा रोजगार दिलाना, नंबर 1 रामपुर को बनाना, यूपी में नंबर 1 रामपुर रहेगा रोजगार के मामले।